अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोस, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है, हम अल्लामा इकबाल जो है सबक है हमारा मुकम्मल हो चुका है। आज मैं अल्लामा इकबाल का मज़मून आपको करवाएंगी, ठीक है। उसको आपने अच्छे से याद करना है और कोशिश करनी है कि आपने मज़मून लिखने से पहले और लिखने के बाद आपने एक एक शेर लाजमी लिखना है, कोशिश करनी है, ठीक है। और बेटा, पाकिस्तानी होने के नाते हमें अल्लामा इकबाल के अशार याद होने चाहिए। अब आते हैं खुलासे की तरफ। अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए। आप हमारे कौमी शायर हैं। आपने मौलवी ग़ुलाम हुसैन से कुरान पाक पढ़ा। इब्तदाई तालीम मौलवी मीर हसन से हासिल की। आपको पढ़ने का बहुत शौक़ था। आपने अपनी शायरी के ज़रिए हिंदुस्तान के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। बस इतना सही है हमारा ये जो मज़मून है। आपने कोशिश करनी है कि एक शेर अल्लामा इकबाल का पहले लिखें और एक बाद में लिखें। आप अपनी मर्ज़ी का भी लिख सकते हैं शेर, जो भी लिखना चाहें। जैसे अल्लामा इकबाल की ये भी बहुत मशहूर शेर है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये भी अल्लामा इकबाल का ही शेर है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। ऐसे और भी अल्लामा इकबाल के बहुत से अशार हैं। आसमां तेरी लहत पे शबनम आफशानी करे, सब्ज़ा नौरस्ता इस घर की निगाह बानी करे, ठीक है। तो ऐसे आपने अल्लामा इकबाल के अशार याद करने होते हैं बेटा। आप ग्रेड 3 में आ चुके हैं तो आप कोशिश किया करें कि इन अशारों को आप अच्छे से याद किया करें। अगर आप इन अशार को अच्छे से याद करेंगे तो आपको आगे जाके जब आप अगली जमातों में जाएंगे तो आपको मुश्किल पैदा नहीं होगी। दो दो अशार आप हर क्लास में, 2, 4 या 10 अशार आप हर क्लास में याद करेंगे तो ऐसे हमें बहुत से अशार अल्लामा इकबाल के याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत, जैसे मैंने कल भी आपको एक बताया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, बंदगी में घट के रह जाती है मिसले जो है कम आप, और आज़ादी में बहरे बेकरां है ज़िंदगी, ठीक है। आप अल्लामा इकबाल के शेर बेटा याद किया करें और कोशिश किया करें कि उनको अपनी कापियों पे भी लिखा करें। आपकी एक अलग से कापी होनी चाहिए जिस पे अल्लामा इकबाल के अशआर होने चाहिए, ताकि पता चले कि आप अल्लामा इकबाल से कितनी मोहब्बत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से याद करेंगे, इन अशआर को भी, ठीक है। फ़र्द कायम रब मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। नीचे मैम ने आपकी डायरी भी लिख दी है।